हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIOS बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 14 यानी 14वां चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम रिस्पिरेशंस एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजेनेसिस वेस्टेड हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कई क्लासों के लिए, चाहे वो BSc हो, चाहे वो 11वीं क्लास हो, NCERT का बुक हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए अगर आपका रिस्पिरेशन एंड द एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजन वेस्टेज है तो इसका मतलब जो है ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है इसको दो लैंग्वेज में ला रहा है, इंग्लिश और हिंदी में जो है अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो ये डबल डोज जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रखेगा। कहते हैं चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है नाइट्रोजन वेस्टेज हमारे लिए नुकसानदायक और किस प्रकार यहाँ पर जो है रिस्पिरेशन की भूमिका होती है। लेकिन ये सब करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है, इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पर, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिक्त रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवाद ही रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ, प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का, प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज एम्फ्लोसेमा। एम्फ्लोसेमा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक या एम्फ्लोसेमा इज द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग बाय एक्सरसाइज सिगरेट एक्सरसाइज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग एंड क्रोनिकल ब्रोंकाइटिस इज एदर टू द ब्रोंकल्स इज देयर अवेल एज अ शेक गेटर डिस्ट्रैक्टेंट इज अब नॉर्मली इज अ एम्फ्लोसेमा रिजल्टिंग द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दिस पार्ट एंड ग्रेजुअली ड्यू टू द कंटिन्यूसली डिस्टेंट ऑफ लंग इंक्रीजिंग इन अ साइज एंड द एयर रिमाइंड इन अ लंग्स इवन आफ्टर एक्सप्रेशंस द इमोफेलमा इज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द गिविंग बाय स्मोकिंग बिफोर अ डैमेज इज अ डम टू बी अव्यूल एंड कॉट टू द डिफिकल्टी एज अ इलास्टिसिटी इज अ लास्ट इरेसबेबल। कहते हैं उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है वाष्पवृत्ति। वाष्पवृत्ति जो होती है, वाष्पवृत्ति एक श्वसन विकार है जो अत्यधिक धूम्रपान और चिरकारी श्वास शोथ के कारण होती है, ठीक है। ये अधिक धूम्रपान करने वाले को तो होता है वाष्पवृत्ति होती है। ये जो है श्वसन नलिका तथा कुपिकाएं कोश को असाधारण रूप से फैल जाता है, ठीक है। असाधारण रूप से दोस्तों क्या हो जाता है, ये फैल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इन भागों की प्रत्यय समाप्त हो जाती है और लगातार होने वाले फैलाव के कारण धीरे धीरे फेफड़े का आकार बढ़ जाता है। अब वायु निष्पादन के बाद भी फेफड़े के भीतर बनी रहती है, यानी आपको फेफड़ा जब बड़ा हो जाएगा तो आपको पता ही है कि कितने तरह बीमारी का कारण भी बन जाता है। वाष्पवृत्ति की रोकथाम कुपिकाओं को नष्ट होने वाले पूर्व धूम्रपान छोड़ देने से की जा सकती है। अब देखिए क्लियर बोल रहा है कि धूम्रपान छोड़ देने में ही आपकी भलाई है और आपके परिवार का और इस देश का भलाई है, क्योंकि देश का रक्षा वही व्यक्ति कर सकता है जो कि मानसिक शारीरिक और फिजिकली स्ट्रांग हो। वो व्यक्ति नहीं कर सकते हैं जो सिगरेट और दारू पी के जा रहे हों देश की रक्षा करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि कोई भी मैं तो हैरान होता हूँ
कि जो फौज में होते हैं, जो पुलिस होते हैं, वही सबसे अधिक इसका सेवन कर रहे होते हैं। अब इनके जिम्मा देश की सुरक्षा है, हमारे समाज की सुरक्षा का भार इनके ऊपर है, और यही लोग धड़ल्ले से स्मोकिंग कर रहे होते हैं। क्यों आखिर सरकार इन पर रोक क्यों नहीं लगाती है कि भाई आप तो सुरक्षा हो, हमारे देश का सुरक्षा करते हो, हमारे समाज का सुरक्षा करते हो, हमारे जो है बच्चों का सुरक्षा करते हो, और आप ही सिगरेट दारू पी रहे हो, फिर आपका लंग्स क्या करेगा, आपका बॉडी तो काम करेगा ही नहीं, तो आप क्या देश की रक्षा करोगे। लोग आपसे इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आप वर्दी पहन रखे हो, ठीक है, नहीं तो लोग आपको नहीं डरते हैं। अगर डरेंगे तब जब आपके पास मानसिक शारीरिक पावर होगा, तो वो तो आपके पास होता नहीं है। तो आप सिगरेट बीड़ी को अभी छोड़ दो, तभी आप देश के अच्छे भक्त कहलाओगे, देश के अच्छे पुत्र कहलाओगे। जो व्यक्ति ये शराब दारू पीते हैं और इस देश की रक्षा करने में संगल है, समझिए कि देश की रक्षा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो सुख सुविधाओं के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि शराब जो है रक्षक को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि रक्षक देखिए शराब जो होता है मानसिक तौर से जो है उसको कमज़ोर कर देता है, ठीक है। शराब पिए हुए व्यक्ति का कहते हैं ना इस दुनिया में वो नहीं होता है, वो दूसरी दुनिया में चला जाता है, उसके लिए तो बहन बेटी कोई भी कोई सामान ही नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता उसके सामने। तो ऐसे व्यक्ति देश की रक्षा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, आज ही इसको शराब को छोड़ देना उचित है, क्योंकि इसका इलाज मुश्किल होता है और क्योंकि ये जो है अनुक्रमणीय वापस नहीं लौट सकता, तो ये बहुत काफ़ी घातक सिद्ध होता है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रेशन। फ्रेंड एक्सक्रेशन इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेयर। एनिमल्स ऑल एनिमल पोस्ट द सम मैकेनिज्म ऑफ गेटिंग राइड ऑफ वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस इन देयर बॉडी ड्यूरिंग टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी। There is a waste material in our body. It is a very toxic and poisoning. There is a during the metabolic activity is the most important here. The waste substance include carbon dioxide, water, urea, uric acid, and ammonia. Such substance can be harmful to remain in the body. So, besides the metabolic waste, excess of salt, sodium chloride taken to food, and H2O, and the even excess of the some vitamins need to be eliminated. The content of medicines and antibiotic too are they removed from the body in the urine. Removal of the harmfully unwanted product, especially nitrogen wastes, for the body is called excretions. Excretory is the system is a primary associated with the removal of nitrogen wasted. Friend, the harmful of our body is the nitrogen waste is the most harmful product in our body. It is especially of nitrogen. There is removal of most important to our body and the blood is the urine removed the harmful unwanted product. There is the most important for us. The urea is the main nitrogen waste in our body. The urea is the main nitrogen waste in our body. It is formed by the breakdown of sulfurs. Surplus is ammonia acid and nucleic acid in the liver. The blood transport urea to be a kidney for a filtration and removal in their form of urine. There is the most important kidneys to filtrate the removal and the formal ureas. Then the next topic is the mode of removal of nitrogen wasted. The mode of removal of nitrogen wasted here. But depending upon the nitrogen wasted excrete of animal can be classified as a aminocetalics, utilize urutelics. So in the table give the category of animal and the base of nitrogen waste produce. So here table category of animal on the base of nitrogen waste is a produce. Their aminocetalics is the ammonia, highly toxic. The solubility in water, the highly soluble, therefore need to the plenary of the water for excretion. The example fresh water, aquatic animal and bony fish, amoeba, there is an example. And urotolic acid means urea is a protective formate of urea, other less toxic. Solubility in the water, less soluble, there's a need for less water for excretions. Example mammals like a human, dog, etc. And the marine fishes and the amphibian like a frog and toad. There is a third is a uricotelic. Uricotelic category is here a product formed to uric acid, least toxic. And the solubility in water here, the insoluble solid or semi-solid, need for very little water just to be a flushes out the uric acid. And there is the example of birds, reptiles and insect also. The importance of excretion. How the importance of excretion? Excretion is a necessary for the elimination of nitrogen waste
फॉर्मेट टू ड्यूरिंग टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन मीन्स अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड. देयर सेकेंड इज एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड विटामिन वाइस पिगमेंट फ्रॉम देयर ब्रेक डाउन ऑफ ऑल आर बी सी एंड कंटेन medicine and drug and there is a also removal. The removal of excess of water or it is a retains and the case of storage of water this is the maintain the required quantity of water means osmoregulation in our body. तो यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे समक्ष आया है उत्सर्जन. उत्सर्जन का मतलब यही होता है कि मल त्यागना. देखिए मल त्यागना जो है इंसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उतना ही जीव जंतुओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है. इवन जो है प्लांट भी जो है अपना उत्सर्जन जरूर करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है. ठीक है तो कहते हैं इंसानों के लिए जो है ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. अगर ऐसा ना हो अगर कब्ज उसकी शिकायत रहा तो हमारा दिनचर्या भी हमारा ख़राब हो जाता है. तो कहते हैं सभी प्राणियों में उत्सर्जन के दौरान जो है शरीर के भीतर उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने कोई ना कोई विधि जरूर होती है. इन अवशिष्ट पदार्थों के अंतर्गत आते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया अवशिष्ट जैसे पौधों में होता है. ठीक है जल हो गया यूरिया हो गया यूरिक अम्बल हो गया और अमोनिया आदि ये सारे इसी कैटेगरी में आते हैं. यदि इन पदार्थों को शरीर के भीतर अधिक समय तक तथा अधिक सांद्रता में बनाए रखा जाए तो ये जो है हानिकारक हो सकता है और हमारे लिए जो है ये मृत्यु का कारण भी बन सकता है. इन उपचारित अवशिष्टों को अतिरिक्त जो है अतिरिक्त मात्रा में लिए गए लवण उदा भोजन के साथ खाया गया नमक ठीक है जल और यहाँ तक कि अतिरिक्त मात्रा में लिए गए कुछ विटामिनों को भी बाहर निकालने जाने की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. कहते हैं कुछ अगर औषधि जो होते हैं जो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स कहते हैं को भी रुधिर में से मूत्र के साथ बाहर निकाल दिया जाता है. शरीर के सभी हानिकारक अवांछनीय उत्पाद विशेष रूप से नाइट्रोजन उत्पाद को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं. यानी जो नाइट्रोजन वेस्ट हमारे बॉडी से निकालने का प्रक्रिया है उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं. कहते हैं उत्सर्जन तंत्र का जो कार्य प्रमुख है नाइट्रोजन अवशिष्टों को बाहर निकालना जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका कार्य यहाँ पर रखता है. कहते हैं मानव शरीर में प्रमुख नाइट्रोजन अवशिष्ट जो है यूरिया होती है और यूरिक युक्त में युक्ति में यानी जो है युक्ति में अनावश्यक मात्रा से मौजूद अमीनो अम्बल और न्यूक्लियस अम्बलों को विखंडन से उत्पन्न होती है. रुधिर इन्हें जो है निषादन के लिए और मूत्र के रूप में बाहर निकाले जाने के लिए जो है बुक्कों में पहुंचा देती है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कहते हैं किडनी में ही सारा कार्य होता है. यहाँ दोस्तों बुक्कों का मतलब होता है किडनी की बात किया जा रहा है. ठीक है कहते हैं उसके बाद नाइट्रोजन अवशिष्टों को बाहर निकाले जाने की विधि. अब ये जो है अवशिष्ट पदार्थ उसको हम कैसे बाहर निकालते हैं तो इसका भी अपना एक तरीका है निकालने का. देखिए सभी जीवों में अपना अपना रूल रेगुलेशन होती है. जैसे मैंने अभी बोला भी है कि प्लांट का अपना होता है बेस्ट. प्लांट में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लस जो गोंद के रूप में बाहर निकली हुई होती है आपने देखा भी होगा वो उनके अवशिष्ट होते हैं. ठीक है तो सबके अपने अपने अवशिष्ट होते हैं. तो यहाँ पर नाइट्रोजन अवशिष्टों के बाहर निकालने की विधि क्या है. कहते हैं नाइट्रोजनी अवशिष्टों को उत्सर्जित किए जाने के आधार पर प्राणियों को तीन श्रेणियों में जो है अमोनोन्यूक्लियोसर्जी यूरोसर्जी और यूरोकोसर्जी में वर्गित किया गया है जो कि तालिका में भी इसको दर्शाया गया है जो यहाँ पर नीचे एक तालिका आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है. इसमें आप देखोगे तो इसके साथ जो है उत्पादकों के साथ यानी विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन जो है अवशिष्टों के अनुसार प्राणियों के श्रेणी यहाँ रखा गया है. अब इसमें श्रेणी दी गई है बनाने वाला उत्पाद दिया गया है और जल में इनकी घुलनशीलता कितनी है इस बात को यहाँ दर्शाया गया है और लास्ट में जो है उदाहरण प्रस्तुत किया गया है. तो इसमें सबसे पहले हमारे समक्ष जो होता है अमीनोसर्जी जो होती है दोस्तों ये जो है बनने वाला उत्पाद जो होता है अमोनिया होती है जिसमें अति विषैली होते हैं. ये जल में घुलनशील जो होती है अति घुलनशील होती है इसलिए उनके उत्सर्जन के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है. उदाहरण के तौर पे आप जान सकते हो कि जलीय प्राणी आते हैं जैसे अस्थि बोनी मछलियाँ और अमीबा जो है इसके अंतर्गत आने वाले जीव जंतुओं में से आते हैं. उसके पश्चात हमारे समक्ष है यूरियोसर्जी जो होता है यहाँ पर यूरोटैलिक्स कहते हैं इसको. इसमें बनने वाला उत्पाद जो होता है यूरिया ही होता है और कम विषैली लेकिन होती है. लेकिन इसमें जल में घुलनशीलता के रूप देखा जाए तो कम घुलनशील होती है और इसके उत्सर्जन के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है. उदाहरण में आप देखोगे सारे स्तनधारी इसी कैटेगरी में आते हैं. इसमें मानव कुत्ता आदि समुद्री मछलियाँ और उभयचर यानी एम्फीबियंस जैसे मेंढक टोडा आदि सब सम्मिलित इसी कैटेगरी में आते हैं. उसके पश्चात हमारे समक्ष है
यूरोकोसर्जी, यूरोकोटालेक्स यानी यूरोकोसर्जी कहते हैं इसको। ये यूरिक अम्बर सबसे कम विषैली होती है। ये जो घुलनशीलता में है, ये अघुलनशील ठोस तथा अर्ध ठोस स्वरूप, इसके विसर्जन के लिए केवल थोड़े से पानी की आवश्यकता इसमें होती है। और इसका एग्जाम्पल जो है आपके समक्ष होगा, पंछी होगा, सुरसुरूप होगा तथा कीट होगा, यानी सांप वो किसी कैटेगरी में आते हैं। अब कहते हैं उत्सर्जन का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है ये उत्सर्जन करना। तो कहते हैं इससे जो होता है दोस्तों, अमीनो जो प्रोटीनों अमीनो अम्ल के उपचार के दौरान बनने वाले नाइट्रोजन अवशिष्ट का निष्कर्षित होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट बाहर नहीं जाएगा तो ये आपको कई मायनों में बीमार कर सकता है और इवन की जान तक भी चली जाती है लोगों की। कहते हैं सोडियम क्लोराइड जैसे लवण विटामिन पित्त और वर्णकों में पुराने आरबीसी के विघटन से बने होते हैं तथा कुछ औषधि जो है औषधि जैसे प्रतिजैविक एंटीबॉडी को बाहर निकालना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमारे शरीर में वो जो है हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। कहते हैं अतिरिक्त जल का बाहर निकाला जाना प्रसरण नियमन यानी ऑसम रेगुलेशन कहलाता है। इसे हिंदी में प्रसरण नियमन कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ऑसम रेगुलेशन कहते हैं। जल को अभाव होने पर जल के भीतर रोके रखना, यानी इसका काम जो होता है जल का अगर अभाव होता है तो जल के जो है शरीरों में ही वो कैप्चर कर लेती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ कार्य इसका रखता है। दोबर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन ऑफ कॉकरोचेस। फैन एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन कॉकरोचेस ऑल्सो प्रेजेंट हियर। द कॉकरोचेस आर द अडॉप्टेड टू द टेरिटरीज लाइफ एंड पोसेस टू द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कॉल्ड टू द मालपिगहेलियन ट्यूबलेस। देयर मालपिग Pygmalion's tubeless hair, they are scattering uric acid, which is the almost insoluble in water. And second is the Malpighalion's tubeless are long, blind-ended tubeless attached to your alimentary canal at the junction of the mid and hind gut. The mid and the hind gut here present of cockroaches. They lie there is the abdomen and there is a bathing in the hemolymphos is the blood of insect. Here so in this diagram there is scattery organ of cockroaches. There is a show of the Malpighalion tubules of here. There is small particles. There is a like a very cilia is like there, and the is the scattery organ cockroaches is the show on the is a large definition. There is salt water nitrogen waste here, and Malpighalion tubules is also present here and faces. And the urine there said and ectons also present. And Einstein is the hind guts and the mid guts and is absorption of the H2 ions and the available organic molecules there here. It is the most important diagram for the exam view. The cell or tubules removed to the nitrogen waste here and contains salt from their hemolymphs and the pumps them into the lumens of the tubes. And the fluid passes to the hind guts and it is a process get a concentrated. And the third point is that this is a concentrated fluid then to move into the rectum and is excreted as a concentrated urine along with the feces. And the most of the salt and water is a pumped back into the hemolymphs by the Malpighalion tubules and it is this may be a nitrogen wastage are eliminated as a almost dry matter. There is the eliminated as the almost dry matter for here. There is the next point here. A excretory organ in human. And there is the human excretory system is a compare of a pair of kidney. There is a compare of pair of kidney. A pair of urethra. There is a urinary bladder is a urethra. There is a kidney are a beam to the shape organs localized in the other side of the vertebral columns into lower abdominal cavity. The kidney is the most important as a play of the role of human body. On the concave medians, meridian of the each kidney, there is a notches of call to the ileums, which they lead into the funnel shapes as the septum is called to renal pelvis. And the renal pelvis is a surrounding by on the outer layer of tissue called to the renal cortex and is the inner layer of tissue called to the renal medulla. The renal medulla is their inner layers and kidney filters the metabolic waste from to the blood and scattered them as a liquids called to the urine. They are most important for the blood and scattered them to liquid fluids called to urine. As a kidney from the urine, they also maintain to normal consumptions of their blood fluid and the salt balance throughout their body tissue.
द किडनी फिल्टर मेटाबॉलिक वेस्ट, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किडनी फिल्टर मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड स्कैटर देम टू द लिक्विड इज कॉल्ड यूरिन। द फ्रेंड द अब्सॉर्ब फॉर देयर किडनीज इज द मेटाबॉलिक वेस्ट आर फिल्टरेट फ्लूइड लाइक द बैलेंस ऑफ द बॉडी टिश्यू। The uniform in the kidneys are growth of the urine bladder by the two hollow muscular tubes called uterus. That is the most important uniform to the kidneys. So both there is a urine bladder by the hollows of the muscular tubules. And the next is the urethra is a small tube that lead to urine to be outside of the body. And next is a from urinary bladder. Urine is a passage outside via the urethra. Is during the urinations, openings of urinary bladder is called micturinations. Micturinations. I show the picture here. They show the two kidney is a piece like shape. There is a right renal veins and the right kidneys here, and the left renal arteries and cortex and medulla. And left kidney is a cut open show the internal structure. There is the most important part, uterus and the muscular balls and the upper shedded and lower sphincter and urethra. There is the bladder is cut open show the internal structure. There is a skeletal organ of human. There is the most important view of the exam view. There is a diagrams come to the many exam. So learn there. तो यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है तिलचट्टे के उपसर्जन अंग के बारे में हमने पढ़ना है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने इसके सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है, पहले हमने इसके श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था, अब जो है हम इसके उपसर्जित अंग के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या विशेषता और ये क्या विशेषताओं के साथ जो है अपना जीवन यापन जो है नेचर में करती है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखती है। तो सबसे पहले बात तो यही कहते हैं कि तिलचट्टे कुछ स्थलीय जीव के लिए अनुकूल होते हैं और उनके उपसर्जन अंग का जो है मैल पिगी नलिकाएं कहते हैं, यानी इसको जो है मैल पिगी जो है उसको हम नलिकाएं कहते हैं। ये जो है प्राणी यूरिक अम्ल तथा उत्सर्जन तंत्र जो पानी से सर्वदा घुलनशील होते हैं, ठीक है। मैल पिगी जो है नलिकाएं लंबी अलग सिरे पर एक बंद नलिका ही होती है जो कि मध्यस्थ और पश्चात्र के संगम पर जो है आधार नाल में खुलती है। ये नलिका उदर भाग में जो स्थित होती है और जो रुधिर नलिका यानी हेमोफिलस कीटों का जो रूपों में जो है डूबी रहती है। कहते हैं इनका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है जिसके बारे में हमने जानना है। यहाँ पर एक डायग्राम भी शो किया गया है इसके बेस पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग दिखाया गया है, आप देखोगे तो मेलपिंगी जो है नालिका यानी ये धागे नुमा शेप में आपको दिखेगा, यानी ये जो होता है सीलिया के जैसे दिख रहे होते हैं जो कि इसका यही जो है इसका उत्सर्जन अंग कहलाता है। अगर आप इसको जो है वेरीफ यानी माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करोगे तो कुछ दूसरा जो डायग्राम है उस प्रकार आपको दिखेगा। यहाँ पर देखोगे कि पदार्थ दिख रहे हैं, अवशेष मेलापिगी नालिका दिख रही है, मल और मूत्र भी दिख रहे हैं, गुर्दा दिख रही है जहाँ से ये अवशेष पदार्थों को बाहर निकालती है, मलाशय रेक्टम आंत ठीक है मध्य आंत्र यानी सब कुछ प्रेजेंट होता है। तो कह सकते हो कि देखो कॉकरोच होने के पश्चात भी इसमें हर चीज़ जो है प्रेजेंट है यानी ह्यूमन बींग्स की तरह ही है, तो कह सकते हो कि ये बहुत ही विशिष्ट है ठीक है नेचर में। उसके पश्चात कहते हैं कि इस नालिकाओं में कोशिका रुधिर लसिका यानी हेमोफिलम्स में जो है नाइट्रोजन अवशिष्ट और कुछ अगर लवणों के जो है बाहर निकाल लेती है और इन्हें नालिकाओं को जो है अवकाशिका छोड़ देती है। यह तरल जो है पश्चात जो है पहुँच जाती है और इस प्रक्रिया के दौरान जो है गाढ़ हो जाता है, यानी यह संदिग्ध तरल एवं मलाशय में पहुँचाता है और आंध मूत्र के रूप में मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो है मल में पहुंचता है और संधा मूत्र के रूप में मल के साथ जो है ये बाहर निकल जाता है। कहते हैं मेलपिगी जो होती है नालिका अधिकांश लवण और जल के वापस रुधिर लसिका यानी हेमोफिलम्स ये भेज देती है और इस प्रकार जो है नाइट्रोजन विशिष्ट जो है सर्वथा जो है खुश्क पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो कहते हैं अवशिष्ट पदार्थ चाहे किसी के लिए भी हो सही नहीं होता है। अब यहाँ पर जो है हमारे समक्ष मानव के उत्सर्जन अंग, अब मानव में ये प्रक्रिया किस प्रकार होती है, देखिए मानव जो है श्वसन तंत्र में यंग होते हैं एक कहते हैं एक जोड़ी जो है किडनी के साथ, एक जोड़ी किडनी होते हैं जिसको मटर शेप आपको दिखता है, एक जोड़ी है मूत्र वाहिनी होती है, एक मूत्राशय और एक जो है मूत्र मार्ग होता है जहाँ से जो है अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। कहते हैं किडनी सेम के बीज की आकृति की होती है, आपने सेम के बीज देखा होगा ठीक है, तो सेम के बीज की आकृति की तरह जो है किडनी आपको दिखेगा ठीक है। और ये निम्न उदरित गुहा में जो कैसरु दंड के दोनों तरफ एक स्थित होते हैं, यानी आप कहोगे तो बैकबोन के
साइड में जो है ये दोनों स्थित होते हैं। प्रत्येक किडनी की अवयत यानी जो बुक की अवयत मध्यवर्ती कोर पे हाइलम्स नामक एक खांची होती है जो भीतर की तरफ एक कीपकार अवकाश में खुलती है, जिसे हम बुक का ड्रोनियनस पेब्लिक्स कहते हैं। बुक श्रेणी उन उत्कों का एक बाहरी परत है जिसके हम बुक पल्टिकुलेट यानी कॉटलेक्स रेनल कॉटलेक्स कहते हैं और एक बुक मध्यास यानी रेनल मेडुला कहते हैं नामक उतक की एक भीतरी परत से एकदम घिरी हुई होती है। यानी दोनों यानी रेनल कॉटलेक्स और रेनल मेडुला के साथ ये क्या होती है, घिरी हुई होती है। कहते हैं किडनी उपचाई अवशिष्टों को रुधिर में से छान लेती है। आपको पता ही होगा कि जब हमारी बड़ी आँख में पच जाता है भोजन तो वो किडनी के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे, ठीक है। तो इसमें जो है किडनी के लिए ये भेज दिया जाता है और किडनी का काम होता है कि जो इसमें से जो यूरिन होता है उसको अलग करता है, जो मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक तत्व होते हैं वो जो है ब्लड के रूप में आपको फॉर्मेशन होती है और ये बॉडी के लिए भेज दिया जाता है जहाँ पर बॉडी इसको यूटिलाइज करती है। तो यहाँ से जो है यूरिन बनती है, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो तो निकल जाती है, ठीक है, लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट तत्व है उसको बॉडी जो है अब्सॉर्ब कर लेती है। तो इस प्रकार जो है किडनी अपना महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान देता है। कहते हैं बुक्का के भीतर मूत्र बनते समय जो है बुक्कक यानी किडनी संपूर्ण शरीर के रुधिर तरल और लवणों का संतुलित भी बनाए रखते हैं। तो यहाँ से जो है बॉडी में संतुलित बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होती है। कहते हैं बुक में बना मूत्र मूत्र नाली नामक दो पेशीय नलिकाओं द्वारा मूत्राशय में पहुँचाया जाता है। मूत्र मार्ग एक छोटी सी नली होती है जो मूत्र को शरीर से बाहर ले जाता है। मूत्राशय मूत्र मार्ग के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है और मूत्र मार्ग से मूत्र को बाहर निकाले जाने को जो है हम जो है मिक्ट्यूरेशन कहते हैं यानी मूत्रन कहते हैं। तो इसमें जो है किडनी दिखाया गया है जो कि विशिष्ट है, ठीक है। किडनी के शेप आप देख सकते हो जो कई मायनों में एग्जाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछ भी लिया जाता है। तो इसलिए कहते हैं इस डायग्राम को आप अच्छे से कर लेना। अब देखोगे कि जो सीम के बीज होते हैं उस तरह से दो यहाँ पर जो है किडनी दिख रहे होंगे, जिसको यहाँ पर दायां बुक्कक और बायां जो है बुक्कक धमनी दिखाया गया है, बुक्कक दिखाया गया है, ठीक है। इसमें दायां बुक्कक सिरा दिखाई गई है और बायां बुक्कक धमनी दिखाई गई है और इसमें यानी कॉटरेक्स बलकुट दिखाया गया है और उसके बजाय मेडुला भी नीचे दिखाया गया है। वलकुट कॉटरेक्स आप देखोगे पूरे पार्ट को कह रहे हैं और जो यहाँ पर मध्यस्थ यानी मेडुला जो है ये धागानुमा संरचना को दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है मूत्रवाहिनी के जोड़े होते हैं, इधर भी मूत्रवाहिनी होती है इधर भी होती है। बायां बुक दिखाने के लिए कटा हुआ भाग भी दिखाया गया है। उसके पश्चात नीचे के पार्ट में जो होती है पेशीय भित्ति होती है और ऊपरी जो है अवरोधनी होती है, मध्य अवरोधनी मूत्र मार्ग होता है और ये जो है मूत्रमास का आंतरिक संरचना दिखाने का सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात है। अब हम इसके जो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर है इसमें क्या। तो यह था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, द माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, द हेयर शो इन द फिगर। द किडनी कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मिनर्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टू द नेफ्रॉन। देयर आर द लोकलाइज्ड पार्टली इन द रेनल कॉटलेक्स एंड पार्टली इन द रेनल मेडुला। दे आर फ्रॉम द यूरिन एंड ड्रेन टू द ultimately into the pelvic of the kidney from where the uterus transport the urine to the urinary bladder. The nephron are the structure and functional unit of kidney associated with the blood vessels and capillaries. There are about 1 million nephron in each kidney, which is filter about 180 liters of fluid per day, most of it is reabsorbed. There is the most important thing is 180 liter fluid of per day has a filtrate. It is the most important work for the kidney. Each nephron can be divided into two regions. The proximal nephron and the loop of Henle. There is a promyelous nephron and the loop of Henle. There are further structure and the function component of a nephron is the following given there. The first is renal corpus is the composed of the cup-shaped Brahman's capsule and is a tough to the capillaries equal to the glomerulus, and the glomerulus receive to blood from a branch of renal arteries. And the second is a proximal conventral tubes and mean PCT, and the third is descending limbs of loops of Henle, and fourth is the ascending limbs of loop of Henle. A fifth is the distal carotid tube DCT and the connected duct and connected duct or all the nephron join are ultimately from the renals and pelvic from the where the uterus arise. And the eighth is the peritubulars blood capillary passing over the tubules join and form the renal veins. Here show the macroscopic structure of human kidney. There is a large show of the macro
माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर देयर इज अ शो द नेफ्रॉन ट्यूब एज अ टू टाइप्स इज द नेफ्रॉन हेयर शो इन द पिक्चर लेब्रस कैप्सूल ऑल्सो प्रेजेंट कॉट्रेक्स मेडुला कॉट्रेक्स हेयर एंड मेडुला इज ऑल्सो हेयर प्रेजेंट ऑफ इज अ डॉट डॉट शेप्ड एंड पिरामिड इज अ ब्लॉक ऑफ द मेडुला प्रोजेक्टिंग इन टू द पैबलिक एंड द ओपन कलेक्शन टू एंड देयर डक्ट and the retinal arteries also present and pavel their expanded organ their uterus and the uterus is also go west to the gallbladder there is a macrostructure of the human kidney is the most important for the exam view दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात आया है कि बुक की संरचना किस प्रकार है तो ये बहुत जानना जरूरी है कि किडनी की संरचना किस प्रकार होता है यानी किडनी का स्ट्रक्चर क्या है देखिए किडनी की सूक्ष्म संरचना यहाँ दर्शाया गया है कहते हैं बुक में जो है असंख्य जो है सूक्ष्म नलिकाएं संरचना होती है अपने जानते ही हो जिसमें एक नहीं होती है असंख्य होती है ठीक है जिन्हें हम बुक नेफ्रॉन इन बुकक नेफ्रॉन के नाम से भी जानते हैं अर्थात बुक जो है वालकुट के भीतर स्थित होती है और आसान जो बुक मध्यस्थ का कार्य भी यहाँ पर करती है इसमें मूत्र बनता है और ये उस अंत बुक की श्रेणी तक ले जाते हैं जहाँ मूत्रवाहिनी मूत्र को जो है मूत्राशय तक ले जाती है नेफ्रॉन बुक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और इसमें जो है रुधिर वाहिकाएँ और कोशिकाओं भी पहुँचती है प्रत्येक बुक में लगभग 1,000,000 नेफ्रॉन होते हैं कम से कम जो इसमें 1,000,000 नेफ्रॉन होते हैं पीएमटी क्वेश्चन बन सकता है जो कि प्रतिदिन क्या करते हैं 180 लीटर तरल का निष्पादन करते हैं देखिए एक किडनी जो है कम से कम 180 जो है लीटर तरल का जो है निष्पादन करते हैं छानते हैं जिसमें अधिकांश भाग जो है पुण्य अवशोषित हो जाती है ठीक है और प्रत्येक नेफ्रॉन दो क्षेत्रों में बांट दिया जा सकता है जिसका हम नाम देंगे समीस्थल नेफ्रॉन और हेलन लूप के नाम से जाना जाता है अब कहते हैं इनके कुछ विशेषताएं भी है कुछ इम्पोर्टेंट्स भी है तो ये देखिए क्या है कहते हैं बुक कणिका यानी किडनी जो है जो कि फ्लैपर नुमा वेलोटन संपूल और कोशिका के एक गुच्छा जैसे कोशिका गुच्छ भी कहते हैं से बना होता है कहते हैं कोशिका गुच्छ में रुधिर बुकक धमनी की एक शाखा से आती है ठीक है उसमें उससे पश्चात दूसरा जो है समीपस्थ सर्वलित नालिका यानी PCT के नाम दिया गया है समीपस्थ सर्वलित नालिका यानी PCT उसके बाद है हेनल लूप की अवरोधी भुजा हेनल लूप्स की जो है अवरोधी भुजा यहाँ पर दर्शाया गया है हैंस लूप की अरोही भुजा भी यहाँ पर आपको दिखेगा कहते हैं दुरुस्त संभाली नालिका जो है DCT का अपना एक कार्य होता है जिसको हम दुरुस्त संभाली नालिका के नाम से जानते हैं उसका छेमा पॉइंट है संग्राहिक वाहिनी ठीक है ये सारे पार्ट होते हैं इसके उसके पश्चात हमारा सभी नेफ्रॉन के संग्रह वाहिकाएँ जुड़ी जाती है और अंततः जो है श्रेणी बनती है जहाँ जो है मूत्रवाहिनी निकलती है उसके बाद 8 पॉइंट है परिनालिका रुधिर कोशिकाओं के ऊपर फैली हुई होती है यानी ये जो होती है फैली हुई होती है और ये सभी मिलकर जो है बुक सिराएँ बनाती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर आपके समक्ष जो है एक माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा अब देखिए माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितना विस्तृत है ठीक है कितना एक अलग है इसमें देखोगे कि बुक के दो प्रकार दिखाए गए हैं आपके डायग्राम में लिब्रस सपोर्ट भी दिखाया गया और वेकोट कॉट्रेक्स और जो है मेडुला को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मेडुला जो है आप देखोगे कि डॉटेड फॉर्म में दिख रहा है ठीक है और यहाँ कॉट्रेक्स जो है ऊपरी परत दिखाया गया है उसके पश्चात अगर देखोगे पीछे साइड से तो यहाँ पर दिखेगा आपको पैरा मेडुलर का एक ब्लॉक श्रेणी दिखाया गया है ठीक है उसका संग्रह वाहिका खुलने वाला मार्ग उसका बुकक धमनी दिखाया गया है और मूत्रवाहिनी को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया जो कि आगे लेके जाता है अब हमारे समक्ष आता है कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है तो इसके बारे में जो है हमें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है द अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन means nephron carry out excretory and the osmoregulatory function is the following step the first is the ultrafiltration second is a selective reabsorption and third is a tubular secretion tubular secretion is the most important here the first is the ultrafiltration the here each glomerular is a capillary received to blood flowing to under high pressure through a branch of renal arteries there is a continuous process of ultrafiltration under to the pressure all small molecules like water glucose mineral amino acid urea and uric acid are filtered out of the blood plasma into the Bowman capsule through their capillaries wall protein remain in the glomerular blood there is a
दस इज द प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड इन द लेमेंस ऑफ द डोमिनल्स कैप्सूल द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड प्रोवाइड द प्रेशर फॉर फिल्ट्रेशन एंड सेकेंड इज अ सेलेक्टिव इज ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द ट्यूबुलर डिस ऑब्जॉर्प्शन देर एज द रेगुलर फिल्टर फ्लो थ्रू देयर ट्यूबुलस सर्वल सब्सटेंस यूजफुल टू देयर बॉडी सच ए ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड एंड मिनरल आयरन नीड टू द मेंटेन द वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस आर ऑब्जॉर्ब थ्रू देयर बॉल्स ऑफ रेनल ट्यूबुलस द ब्लड कैपिलरी पासिंग ओवर द नेफ्रॉन ऑब्जॉर्ब देयर सब्सटेंस द फर्स्ट इज अबाउट 65% to 85% of filtered is adsorbed to the proximal converted tubules. It means PCT and is included to water, glucose, amino acid and salt. And second is about 5% of water is absorbed in the descending limbs. And C is ascending limbs is impermeable to the water and has only salt or is bed to hair. And D is in the Digital Conventional Tubulus, DCT, and the recollection tract of sodium positive is resolved under to the filtration of the hormones, aldosterone. The hormone is aldosterone secreted by the adrenal cortex. And the water absorbed under to influence of ADH, antidiuretic hormones, secreted by the posterior pituitary. And third is tubular secretions. The cell of the renal tubulus also directly secrete other content to unwanted substance from to the blood into the filter. This includes uric acid, means K positive ion, and ammonia. The filter is known as the urine. There is storage of urine here. The urine pass into the urinary bladder is by urethra and the stored there. The bladder can be hold of 400 to 500 centimeter of urine. When about 200 centimeter cubes or more urine get collected in their urine bladder. Friends, the most important thing here is a bladder can be hold 400 to 500 centimeter cube of urine and 200 centimeter cube or more urine get collected to urine bladder, scratching receptor and stimulator leading to be desired to the discharge urine. दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया है कि मूत्र निर्माण. देखिए जो मूत्र का निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है. कहते हैं बुक नेफ्रॉन जो सर्जित और प्रासरण नियम कार्यों को जो निम्नलिखित चरण में पूरा करती है यानी मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है यहाँ पर कहते हैं तीन चरण में जो है कम्प्लीट होती है. पहला जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसको हम परनिष्पादन कहते हैं जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का नाम दिया गया. दूसरा है चयनात्मक पुण्य अवशोषण मीन्स है सिलेक्टिव रिजर्व ऑब्जेक्शन. एंड जो थर्ड है वो है नालिकाएं स्वत्र यानी ट्यूबुलर सिक्रेशन नालिका स्वत्र. ठीक है तो पहला जो होता है हमारे दोस्तों प्रानियन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है. देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की अपनी एक भूमिका है. कहते हैं प्रत्येक कोशिका गुच्छा की कोशिका में रुधिर बुका धमनी की एक शाखा से उच्च दाब के साथ आता है और यहाँ जो प्रतिनिपदन दाब के साथ निषोधन की प्रक्रिया अवांछनीय रूप से होती ही रहती है. सभी छोटी छोटी अणु जैसे जल ग्लूकोज यूरिया और यूरिक अम्बल को जो है रुधिर प्लाज्मा में से निषादन हो जाते हैं और ये जो कोशिका के भित्ति के जरिए जो है बेमेंस स्पूट में पहुंच जाते हैं और प्रोटीन कोशिकाओं के गुच्छे के रुधिर से ही रह जाता है. इस प्रकार जो प्रोटीन मुक्त निष्पादन मोमेंट जो स्पुटी की अब कोशिकीय में जो है एकत्र हो जाता है और निष्पादन के लिए आवश्यक दाब परिसंचारी रुधिर को जो है द्रव शैचिक रूप दाब से प्राप्त होती है. उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है दूसरा पॉइंट जिसको हम सिलेक्टेड जो है रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं यानी चयनात्मक पुण्य अवशोषण या नालिकीय जो है पुण्य अवशोषण कहलाता है. इसमें बात यही आती है कि जो है कोशिका गुच्छ निषादन जब नालिकाओं में से होकर गुजरता है तब उसमें से शरीर के लिए अनेक आवश्यक पदार्थ जैसे ग्लूकोज और एमिनो अम्ल और खनिज आयन जो जल और लवण के बीच संतुलित बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है. कहते हैं भूख नालिकाओं की जो है भित्तियाँ के जरिए पुण्य अवशोषित भी कर लिया जाता है और यहाँ भूख यानी नेफ्रॉन के ऊपर से होकर ये गुजरती है और रुधिर कोशिकाओं को उन पदार्थों को अवशोषण भी कर लेती है. कहते हैं इसमें कुछ बातें दिखाई गई है जिसमें कुछ पॉइंट जो दर्शाया गया है. कहते हैं निषादन का जो है लगभग 65 से 85% भाग सीमा पक्ष या सर्वित नालिका यानी जो है PCT में पुण्य अवशोषित हो जाता है. इसमें जल जो है ग्लूकोज एमिनो अम्ल और लवण आदि शामिल होते हैं. देखिए यहाँ जो PCT में जो अवशोषित होती है अब्जॉर्प्शन होता है वो होता है जल ग्लूकोज और एमिनो अम्ल.
कहते लगभग 5% जल का पुण्य अवशोषण अवरोही भुजा में ही हो जाता है, यानी 5% जल का जो है यहीं पे जो है अवशोषित हो जाता है, यानी वो अब्सॉर्ब कर लेता है। अवरोही भुजा जल के लिए अप्रासय होती है, अंततः केवल लवणों को ही यहाँ पुण्य अवशोषित होता है। इसमें जो बताया गया दुरास सर्वाधिक नालिका यानी DCT, देखिए DCT का अपना एक कार्य होता है और ये संग्रह नालिका में जो है एल्डोस्टेरोन हार्मोन का जो है स्रोत करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको काफ़ी जो है सिक्रेशन जो है अधिक बोकक विक्विड द्वारा संवर्धित किया जाता है, यानी ये जो है बिल्कुल यानी मेडुलास में जो है संवर्धित होती है। ये प्रभाव में जो है सोडियम का पुण्य अवशोषित हो जाता है। तब पश्चात पीयूष ग्रंथि द्वारा स्वयं ADH यानी एंडी डायरेक्टिक्स हार्मोन प्रतिमूलक हार्मोन के प्रभाव से जल का पुण्य अवशोषित हो जाता है। उसके पश्चात हमारे समाचार नालिकीय स्वत, यानी इसका मतलब यही दोस्तों हुआ कि बुक नालिका कोशिका कुचलकर अवांछनीय पदार्थ को सीधे ही रुधिर में निष्पादन में संवर्धित कर देता है। इसमें यूरिक अम्बल के पॉजिटिव एन पोटाशियम आयरन अमोनिया आदि सम्मिलित होते हैं। कहते हैं निषादन को अब जो है मूत्र कह सकते हैं, यानी ये जो है मूत्र अब बन गया है। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट रखती है कि मूत्र का संलग्न जो होती है ये मूत्रवाहिनी में से गुजरता हुआ मूत्राशय में जाकर संचलित हो जाती है। मूत्राशय में लगभग कहते हैं कि 400 से 500 धन सेंटीमीटर मूत्र संचलित कर सकता है। जब ये लगभग 200 धन सेंटीमीटर अथवा अधिक मूत्र मूत्राशय में एकत्र हो जाता है तब विद्युत ग्राह यानी स्ट्रेचिंग रिसेप्टर उद्दीप्त हो जाती है, जिसके कारण मूत्र त्यागने का इच्छा होने लग जाता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर कार्य संपन्न होती है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करिएगा त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने की मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपान सेंटर से, ठीक है, दूसरे सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपान सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th class, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th semester तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपान सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।